शाहरुख को जिस बात का डर था वही हुआ है। एजुकेशन के टेक्नोलॉजी ब्रांड बायजू ने शाहरुख खान के सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। 2017 से शाहरुख खान पूरी दुनिया में बायजू को प्रमोट कर रहे थे और इस प्रमोशन के कैंपेन के लिए हर साल उन्हें करीब 4 करोड़ रुपए की रकम दी जाती थी। लेकिन आर्यन खान के ड्रग्स मामले में फंसे होने के बाद बायजू ने यह बड़ा डिसीजन लिया है कि अब शाहरुख खान के सभी विज्ञापनों पर और सभी प्रमोशनल कैंपेन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और अब इसका असर दूसरे उन ब्रांड्स पर भी पड़ सकता है जिसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। आप सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री हो या एड वर्ल्ड, ये सभी कुछ एक इमेज पर बेस्ड बिजनेस होता है कि क्योंकि इमेज आपकी अच्छी है इसलिए आपको आगे रखा जाता है, आपके चेहरे को इसलिए एंडोर्समेंट के लिए लोग साइन करते हैं क्योंकि आपकी इमेज समाज में अच्छी होती है। लेकिन जब इसी इमेज पर धब्बा लगने लगे तो फिर ब्रांड्स आपसे कतराने लगते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनका ब्रांड एम्बेसडर किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ऐसे केस में फंसा हो या जिसका बार बार नाम उछाला जा रहा हो किसी ऐसे केस में जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। शाहरुख खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जाहिर तौर पर एक ब्रांड जिसे आप पिछले करीब 4 से 5 साल से प्रमोट कर रहे हो और वो ब्रांड आपके एड कैंपेन को सरफेस लिए रोक दे क्योंकि आपके बेटे का नाम ड्रग्स मामले में आया है, निश्चित तौर पर ये झटका है। इस ब्रांड के अलावा शाहरुख खान हुंडई, दुबई टूरिज्म, ICICI जैसे कई और ब्रांड्स के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और हो सकता है कि इस केस का असर अब इन ब्रांड्स पर भी पड़े। आप खुद सोच कर चलिए कि फिल्म इंडस्ट्री एक इमेज का बिजनेस है, इमेज पर ही जब धब्बा लगा हुआ है तो फिर कोई कैसे आपके साथ अपने ब्रांड को लेकर आगे बढ़ेगा। एक और बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि शाहरुख खान भले ही सीधे तौर पर किसी मामले में उनका नाम नहीं आया है लेकिन क्योंकि उनके बेटे का नाम आया और हर जगह आर्यन खान की पहचान शाहरुख खान के बेटे के तौर पर है। आर्यन खान की अभी तक और कोई पहचान नहीं थी, आर्यन खान को लोग शाहरुख खान के बेटे के तौर पर ही जानते आए हैं। ऐसे में हर न्यूज क्लिपिंग में हर जगह यही कहा जा रहा है कि शाहरुख खान के बेटे के साथ ऐसा हुआ। अब बायजू जैसा ब्रांड जो कि बच्चों के बीच अपनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को लेकर जाता है, ऐसे में वो कैसे इतना बड़ा खतरा मोल ले सकते हैं कि वो शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं मुझे ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि हम समझ सकें कि इस पूरे मामले पर हमारा देश क्या सोचता है।